सपा हमेशा कहती है कि काम हम करते हैं, नाम अपना करते हैं, जवाब देंगे कुछ? जी रजनी जी, बहुत सही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में बहुत बड़ा जुमला है। इनका जुमला है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम बताए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो। मतलब अखिलेश यादव एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस तरह की बचकाना बयान देंगे? खैर, ये उनकी बुद्धि, वो सबसे मेरा जी ये कहना है जो डिबेट का विषय आते रखा है, आज उत्तर प्रदेश के लिए अपार हर्ष का विषय है कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, जो 600 किलोमीटर लंबा है, जो 12 जनपदों को जोड़ता है, ये अपार खुशी की बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विकास कर रही है। मेरा रजनी जी ये कहना है, ये चाहे जो कहे, कहना भी चाहिए, विरोधी पार्टी है, आरोप भी लगाना चाहिए, सरकार के कामकाज में इनको जो है रिपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन रजनी जी, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि योगी जी और मोदी जी सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड, अब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये मतलब ये कहना कि स्मार्टफोन नहीं चला नहीं आता, इसका मतलब कि साईं में स्मार्टफोन लेकर के अखिलेश यादव पैदा हुए थे, ये जाकर के एक लैंड गया तो सीख क्या है? मतलब इस तरह का व्यक्तिगत आरोप लगाना। दूसरी बात, जो भी काम हो रहा स्वागत करने की बजाय, अगर उसमें तकनीकी कोई गड़बड़ी है, अगर उसमें कोई कमी है, तो इनको विपक्षी दल के नेता के हैसियत से जरूर उठाना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में ये है, बिल्कुल उठाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गुणवत्ता पर ये है, राम मंदिर में ये है, जो 9 उन्होंने मेडिकल कॉलेजों का एक साथ किया उद्घाटन, उसमें कमी ये है, ये मतलब इनकी ये ठीक है। चलिए।